नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों चर्चा करेंगे लाल किताब में ग्रहों के आम दौरा के साल, इनके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय कि लाल किताब में ग्रहों के आम दौरा के साल, इसके बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों आम दौरा के साल मतलब ग्रह कितने साल तक प्रभावी रहेगा, अपना असर दिखाएगा। तो दोस्तों लाल किताब में इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति के लिए जो आम दौरा के साल बताए गए हैं वो है 6 साल। मतलब इन 6 साल में बृहस्पति अपना असर दिखाएगा। अब बात करते हैं सूरज की। तो सूरज के लिए आम दौरा के साल हैं 2 साल। अब बात करते हैं चंद्र की। तो चंद्रमा के लिए आम दौरा के साल बताए गए हैं 1 साल। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र के लिए आम दौरा के साल जो पंडित जी ने बताए हैं वो हैं 3 साल। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल के आम दौरा के जो साल हैं वो हैं 6 साल। लेकिन इसको बांटा गया है मंगल नेक और मंगल बद में। तो पंडित जी ने इसके बारे में बताया है कि मंगल नेक के जो आम दौरा के साल हैं वो 2 साल और मंगल बद के 4 साल। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध के आम दौरा के साल जो बताए हैं पंडित जी ने वो है 2 साल। शनिचर, शनिचर के लिए आम दौरा के जो साल है वो है 6 साल। राहु, राहु के भी आम दौरा के साल 6 साल बताए हैं। और एंड में आता है केतु। तो केतु के लिए आम दौरा के साल 3 साल लाल किताब में पंडित जी ने बताए। तो इस तरीके से लाल किताब में पंडित जी ने 9 ग्रहों के आम दौरा के साल के बारे में बताया है। तो इतने इतने पीरियड तक ये ग्रह अपना अपना असर दिखाएंगे, प्रभावी रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।